हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सेल्फ हेल्प ग्रुप किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं सिखाती हूं आपको बेसन से राजस्थानी सब्जी बनाना। ये देखिए, आज हम आपको सिखाएंगे एक राजस्थानी डिश। ये लिया हमने यहाँ पे 250 ग्राम बेसन। बेसन की मात्रा है 250 ग्राम। ये देखिए, इसमें हम इस तरह करके क्रश करके अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डालेंगे। ये देखिए अब इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और अब यहाँ आएगी थोड़ी सी मिर्ची। ये देखिए, दिख रही है आपको मात्रा, बहुत कम, ना के बराबर, बस इसमें फ्लेवर देने के लिए। और ये थोड़ा सा जीरा, ये लीजिए। अब हम इन्हें करेंगे मिक्स। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल के, 1 या 2 चम्मच आप अपने हिसाब से डाल लेना। मैं इसमें अभी 2 चम्मच तेल डालूँगी। ये देखिए इस तरह से, 1 चम्मच मैंने पहले ही डाल दिया था। और एक ये, अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें, एकदम पानी नहीं डालना है। और इसको बहुत टाइट से कूट लेना है, जैसे हम पूरियों का मैं आटा बनाते हैं इस हिसाब से इसे लगा लेना। ये डो हमारा बिल्कुल टाइट होना चाहिए। ये देखिए, अब इसको रख देंगे और इधर कढ़ाई में बिल्कुल मामूली सा तेल डालेंगे। ये ले लिया हमारे टमाटर प्यूरी, टमाटर को पीस लिया था। ये देखिए, इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक। अब हम डालेंगे इसमें, देखिए, हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें मिर्च। मिर्च के बाद आएगा हमारा क्या, देखिए, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, मिक्स है ये दोनों चीज़ें मैंने पहले ही मिक्स कर ली थी। ये आ गया हमारा गरम मसाला। और अब आएगा थोड़ा सा इसमें चाट मसाला। ये देखिए, चाट मसाला आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा हमने डाल दिया। जीरा जैसे ही तड़कने लगे तभी आप इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। ये देखिए, मैंने चिली कटर के साथ निकाले हैं, आप इसे चॉपिंग में भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करछी से इसे हिलाइए। हाँ जी, इस तरह से जब आप प्याज भूनते रहेंगे, देखिए ऑयल दोस्तों आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कम खाते हैं कम डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें टमाटर के साथ सभी मसाले डाल देंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे मसाले को। ये देखिए इस तरह, जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक आपको इसे चलाते रहना है, कहीं ये नीचे ना लग जाए, इसलिए आप इसे अच्छी तरह चलाते रहिए। इस तरह से जब ये पक जाए, आइए इसमें डाल देते हैं कुछ धनिए के पत्ते। हमारे बेसन में ये फूल चुका है, 15 मिनट हमने इसे रख दिया था। अब इसमें धनिए के पत्ते मिला देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे। ये देखिए, मसाला पक चुका है, कम गैस मैंने कर दिया था। ये देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा तेल मसाले ने छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये देखिए, मसाला हमारा पककर तैयार हो चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप चाहें तो इसमें खड़े मसाले डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया। ये देखिए इस तरह से, अब हम इधर बनाएंगे बेसन की सब्जी की तरीका आपको सिखाएंगे। इसमें डालेंगे हम तेल। देखिए, तेल का हाथ लगाकर हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे चिपचिप रहा है बहुत ज़्यादा ये, इसलिए मैंने इसके ऊपर तेल लगा दिया। इसे ऐसे परात पर लेकर या किसी थाली पर लेकर इस तरह पेड़े एक साइज के काट लेंगे। ये देखिए ऐसे, डो हमारा अच्छा खासा बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था वैसा ही है। अब इसको हम करेंगे बिलाई। ये देखिए, इसको ऐसे बेल देंगे। जितनी बड़ी थाली आप उसके हिसाब से ले सकते हैं पेड़ा, बड़ा भी ले सकती थी मैं, लेकिन मैंने यहाँ बड़ा नहीं लिया। ये देखिए इस तरह से आप बेल कर, ये पानी हमारा पक चुका है मसाले वाला। ये देखिए इस तरह से काट लेंगे पतले पतले पीस इसके। आप चाहें तो किसी भी स्टाइल में इसे काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं। गोल आप कैसे काटेंगे, गोल काटेंगे आप, कोई आपके पास गोल चम्मच हो या छोटी कटोरी हो, बिल्कुल छोटी सी, उससे। मैंने ये चक्कू से इस तरह से चौरस पीस में काट दिया। अब मैं इन्हें डाल दूँगी इस पकते हुए मसाले में। ये देखिए ऐसे ऐसे आपने सभी बना लेकर इसमें डाल देने हैं और इसको 15-20 मिनट कम आंच पर पकाना है।
कम आंच पर, अगर पहले इसे तेज़ आंच पर करेंगे और फिर कम आंच पर पकाएंगे। ये देखिए हमारी बेसन की राजस्थानी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, आप एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा, इस बिल्कुल पनीर की तरह स्वाद आएगा आप। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय।